सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सेलेक्ट करें ऑल पे ताकि आप हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एमरेलस लिली के प्लांट पे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पिछले साल गमले में लगाया था, तो उसके बाद इसमें पिछले साल जब हमने लगाया तो इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई थी, क्योंकि हमने इसको जुलाई के महीने में लगाया था, बरसात के टाइम लगाया था। तो जैसे ही मार्च का महीना आया वैसे इसमें से एक छोटी सी स्टिक निकलनी शुरू हुई और उसके बगल में दूसरी स्टिक भी निकली। तो एक बल्ब में से कभी एक स्टिक भी निकल जाती है और कभी दो भी निकलती, एक स्टिक पे कहीं चार फ्लावर निकलते हैं और किसी पे तीन निकलते हैं। मेरी दो स्टिक देखिए यहाँ से निकली हुई हैं, तो दोनों स्टिक पे एक पे तीन फ्लावर खिले हुए हैं और एक पे चार खिले हुए हैं। हमारे जो ये फ्लावर निकलते हैं स्टिक में से, ये धीरे धीरे करके ही खिलते हैं, एकदम से हमारे चारों फ्लावर नहीं खिलते हैं। एक दिन एक खिलेगा, उसके दो दिन बाद दूसरा खिलेगा, तो ऐसे करके इनमें से निकलती। और देखिए ये बल्ब जो होते हैं ये डिवाइड भी होते हैं, मतलब आप एक बल्ब लगाएंगे तो अगर उस गमले में आप लगा रहने दें, प्लांट को छेड़े ना, तो ये कई दिनों के बाद एक बल्ब से दूसरा बल्ब भी तैयार हो जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि इसको आपको एक सहारा भी देना है, नहीं तो तेज़ हवा के कारण हमारी स्टिक टूट सकती है। और बहुत ही टाइम के बाद हमें ये फ्लावर मिलते हैं, तो जब भी ये फ्लावर बहुत टाइम बाद निकलते हैं तो हमारा दिल खुश कर देते हैं, बहुत ही रेड कलर। और जैसे ही हम अपने टेरेस गार्डन पर आते हैं तो ये अपना ध्यान जो है कि हमारा ध्यान अपने तरफ खींचने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको जब भी ये बल्ब लगाएं तो 10 इंच के गमले में एक ही लगाएं, एक से ज़्यादा ना लगाएं। अगर गमला बड़े साइज का है तो आप दो से तीन बल्ब भी लगा सकते हैं, पर मेरा कहना है अगर छोटा गमला है तो आप एक ही बल्ब लगाएं, ताकि आपको फ्यूचर में चल के इसके और भी बल्ब मिलें तो आप और भी प्लांट इसके बना सकते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। देखिए काफ़ी खूबसूरत प्लांट, पर इसके फूलों में से कोई खुशबू नहीं आती है, पर जो इनका कलर है बहुत ही रेड कलर, और एकदम जो कहते हैं जब धूप बहुत तेज़ निकली हुई होती है छत पर, तो ये इसका कलर तो और भी ज़्यादा लाइट लगती है। अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसे बर्मी कंपोस्ट का लिक्विड दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।